कहते हैं ना कि तेज सा सूर चमकता है, हमेशा फूलों से खुशबू महकती है, कलकल करती हुई नदियाएं, कलकल करती हुई नदियों के झरने आवाज करते हैं, और हमेशा हमारे चंद्र मोहन मीणा जी यहाँ अंजाम नहीं पड़ा, अंजाम के तैयार। ये देख लीजिए बहुत ही ज्यादा शानदार ग्राउंड के पार जाती हुई आदरणीय बाबा साहब का एक शॉट, और यहाँ बहुत ही ज्यादा देखिए युवा चाहते हमारे आदरणीय तैयार युवा फिर चंद्र मोहन मीणा जी टूर्नामेंट के आयोजक बाबा साहब लाडले विधायक जी करेंगे सामना। और आप देख सकते हैं आदरणीय जयवर्धन सिंह का यहाँ पर आना एक भव्यता, यहाँ पर आदरणीय जयवर्धन सिंह यहाँ विधायक जी हैं और यहाँ पर आते हुए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट चलता हुआ एक सुंदर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सभी को सम्मान देते हुए आदरणीय हमारे बाबा साहब, इनकी एक विशेषता है सभी को प्यार करते हैं, उसी का कारण है आप देखिए बहुत ही ज्यादा लाडले हैं, ये राघोगढ़ क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। और ये राघोगढ़ टीम का सपोर्ट करते हुए कारण है आज दो टीम है राघोगढ़ और प्रयागराज की। और कैसे हैं स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में, और लेके मैं आपको आज ले आया हूँ ये जंजाली पर, और जंजाली पर लाने का कारण है एक भव्य टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन किया गया है, और यहाँ पर एक आज फाइनल है, और इसका कवर करने का चलिए मैं आपको यहाँ का बैक कैमरे से व्यू बताने की कोशिश करूंगा। आज ये 12 बजे से फाइनल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोगों का आना हो रहा है जो हाँ क्या कह रहे थे काय से बात करते हो क्या कह रहे थे क्यों काय से बात करते हो लक्ष्य से ये वो लड़का है जो अभी अभी मेरी बातचीत चल रही थी तब ये श्रीमान कह रहे थे कि यहाँ मुंह से बात नहीं करते हैं सीधा लक्ष्य से बात करते हैं, तो क्या कारण है लक्ष्य से बात करने का? अरे गाड़ी में पार्किंग लगाना है वैसे। तो बोलने का थोड़ा तरीका बदलिए अपना है किस तरह ही बोलते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ का बैक कैमरे से आपको इस टूर्नामेंट की भव्यता दिखाऊंगा, आज फाइनल है और काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगने वाला है, कारण है एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया गया है। आइए मैं बैक कैमरे से आपको पूरा व्यू बताने की कोशिश करूंगा कितने बजे स्टार्ट होगा, आज फाइनल मैच है और आप देख सकते हैं पूरा वीडियो बताऊंगा आज आपको अपने चैनल पर। कौन का मैच है? राघोगढ़ कुमराज का मैच है फाइनल। कितनी इनाम राशि है? एक लाख। और कौन जीतने वाला है? आज कुमराज कुमराज जीतने वाली है। क्या कारण है कुमराज जीतने का? क्या है खिलाड़ी अच्छे हैं क्या? कुमराज में अच्छे खिलाड़ी है। कुमराज जीतेगी? और किस टीम का है? कुमराज जीतेगी। राघोगढ़ जीतेगी। यहाँ देख सकते हैं लोगों का अपना जजमेंट है, और आज एक बड़ा मैच है राघोगढ़ और कुमराज के बीच, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का आना होगा। किधर से है रास्ता देखिए बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, कब से आ रहे हैं टूर्नामेंट देखने के लिए? एक महीना से यहाँ निरंतर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक नंबर टूर्नामेंट है। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोगों का यहाँ पर पहले ही इंतजार किया जा रहा है एक बड़ा टूर्नामेंट आता हुआ। बाबा जी आप भी आते हैं टूर्नामेंट देखने डेली? कौन सी टीम को जिताने वाले हैं? जो कॉफी जीतती है जो भाग का काम है वो। आप कौन सी टीम का समर्थन कर रहे हैं? राघोगढ़।
लादोगढ़ लादोगढ़ का समर्थन करते हुए ये बाबा जी देख लीजिए आज काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगने वाला है। ऐसा मुझसे कहा गया है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। और ये देखिए सर जी पुड़िया का आनंद लेते हुए, क्या कारण है पुड़िया क्यों खाई रहे हैं? पुड़िया खाने के लिए मतलब की मैच भी देखने आए हैं और आनंद लेने आए हैं। यहाँ देखिए लोग मतलब कह सकते हैं आनंद लेते हुए, क्या कारण है? धूप लग रही है क्या? और बताइए कौन सी टीम को जिताने आए हैं? कुमराज। यहाँ पर देखिए अब सभी लोगों का अपना अपना समर्थन है, कौन सी टीम का समर्थन कर रहे हैं? जेबी मतलब की राधोगढ़ राधोगढ़ का क्या है? फेसबुक पे वीडियो भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोग अपनी सीट को कवर करते हुए, कारण है फिर सीट इनको नहीं मिलेगी ऐसा इनको अंदेशा है, इसीलिए पहले ही आके बैठ गए हैं। कहाँ से हैं? पेची से। और किसको जिताने आए हैं? कुमराज। कुमराज को, क्या कारण है? बहुत भारी भरकम टीम है क्या? छक्का पे छक्का मारेंगे। छक्का पे छक्का मारेंगे और राधोगढ़ के लोग क्या देखेंगे, कैच नहीं पकड़ेंगे क्या? अच्छा अच्छा बाउंड्री के बाहर यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कुमराज की टीम जीतने वाली है, क्या कहेंगे? कौन सी टीम को जिता रहे हैं? कुमराज। कुमराज सभी की एक राय है तो क्या फाइनल इनाम दिला के जाएंगे? कुमराज। कुमराज कुमराज यहाँ पर कुमराज का ज्यादा समर्थन करते हुए लोग, कारण है काफी दिनों से देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? काफी दिनों से देख रहे हैं क्या? काफी दिनों से देख रहे हैं। कैसी टीम है कुमराज? बहुत अच्छी टीम है। कोई जीतेगी क्या? बनते मतलब 60% चांस। 60% 40% चांस नहीं है? नहीं है। यहाँ पर 60% कहते हुए कुछ लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में, क्या कहेंगे कौन को जिता रहे हैं? ये तो साहब टीम का लक चलेगा, कौन जीतेगा? आप टीम देख रहे होंगे कैसा प्रदर्शन कर रही है दो टीमें। कुमराज का भरोसा है। कुमराज का भरोसा है, ज्यादा भारी भरकम बैच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कुमराज को समर्थन करते हुए ये लोग, और काफी संख्या में यहाँ पर करीब करीब 20-22 हजार लोगों का आने का यहाँ अंदेशा है ऐसा कहा गया है, क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? कोई को नहीं जिताएंगे तो टोपी लगा के तो बैठे हैं आप ऐसे ही। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग कुमराज की टीम का समर्थन करते हुए, कुछ लोग राधोगढ़ टीम का समर्थन करते हुए यहाँ पर काफी संख्या में एक बड़ा टूर्नामेंट आज आपको दिखा रहा हूँ। ये जंजालोई में पड़ जाता है करीब करीब 4-5 सालों से यहाँ पर करते हुए। सर जी क्या शुभ नाम है? अरविंद मीना। और कब से मैच देखने आ रहे हैं? पूरा महीना भरी हो गया। कौन को जिता रहे हैं? कुमराज। कुमराज के जीतने का क्या कारण है? कुमराज अच्छे खिलाड़ी है, कुमराज में अच्छे खिलाड़ी हैं, इसीलिए फाइनल में आई है। बिल्कुल। और आज फाइनल उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। ये देखिए फाइनल उठाते हुए कहते हुए यहाँ के आदरणीय भाई साहब, आज आपको एक सुंदर वीडियो दे रहा हूँ अपने चैनल पर, क्या कारण है? कितने दिनों से आ रहे हैं मैच देखने? एक महीना से। कौन को जिताएंगे? कुमराज को। कुमराज को, सभी की एक राय है कुमराज को। राधोगढ़ टीम के समोसे बेच के आई है। यहाँ पर देखिए लोगों का कहना है कुमराज को जिता रहे हैं, राधोगढ़ को कोई समर्थन करेगा क्या? राधोगढ़ को समर्थन करेंगे क्या? इधर करेंगे, यहाँ पर राधोगढ़ का भी समर्थन मिल जाएगा आपको, क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? लाल सिंह मीना देवी। राधोगढ़ जीतेगी, जीतेगी। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कुमराज जीतेगी। बोलने से थोड़ी कुछ, बोलने से कुछ नहीं होता है, टीम प्रदर्शन करके दिखाएगी ऐसा इनका कहना है। आप देखिए आज एक सुंदर वीडियो दे रहा हूँ अपने चैनल पर, क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? कुमराज। कुमराज, कुमराज एक तरफा जीतेगी क्या? बड़े बड़े छक्के पड़ने वाले हैं क्या? तो रुकूं क्या मैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए लोगों का कहना है कुमराज जीतेगी, और काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना है, करीब करीब 20-22 हजार लोगों का यहाँ पर आने का अंदेशा है। और यहाँ पर पहले ही लोग कुर्सी पर बैठ गए हैं पसीना को पहुँचते हुए। पसीना को क्यों पहुँच रहे हैं? क्या कारण है? कौन को जिता रहे हैं? कुमराज को। यहाँ पर देखिए पसीना आ रहा है, सर्दी का मौसम है फिर भी पसीना आ रहा है, कारण है कुमराज को जिताने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? कुमराज। कुमराज को। और क्या, राधोगढ़ को क्यों नहीं? खुशी रही हमारी, मर्जी आपकी है, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन किया गया है चुन्नू भैया के द्वारा, क्या कहेंगे? कौन को जिता रहे हैं? कुमराज है, सभी के कुमराज है। बड़े बड़े छक्के पड़ने वाले हैं क्या स्टेडियम पार? यहाँ पर देख सकते हैं स्टेडियम पार ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे? स्टेडियम पार करने वाले हैं क्या? कौन से बैट्समैन को पसंद करते हैं कुमराज में?
कितने छक्के मारे होंगे यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की अलग अलग पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ का लोगों का आना कारण है फाइनल है और एक भारी भरकम राशि है 1 लाख के आसपास। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में लोग कुर्सियों पर बैठ गए हैं, कुर्सियों पर बैठ गए हैं, क्या कारण है? बाद में सीट नहीं मिलेगी क्या? हाँ, बाद में सीट नहीं। किसको जिता रहे हैं? कुमराज जीतेगा सर। कुमराज, कुमराज जीतेगा। और नाश्ता पानी ला के आए हैं क्या? नहीं, करके आए हैं यहाँ पर नाश्ता पानी करके आए हैं लोग। कुमराज से भी खिलाड़ी लेके आ गए नाश्ता पानी, वही लेके आएंगे, इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ते का इंतजार करते हुए आदरणीय भाई साहब, क्या कहेंगे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है मुस्कुराने का? कुमराज के लिए, कुमराज के लिए, कुमराज के लिए। तो कितने दिनों से कुमराज को देख रहे हैं जीतते हुए? 2 साल से, 2 साल से देख रहे हैं। तीसरी बार ही फाइनल उठाएगी क्या? 2 बार फाइनल उठा चुकी है। यहाँ देखिए कुमराज टीम का, आप देख सकते हैं 2 बार फाइनल, क्या कहेंगे? राघोगढ़ जीतेगी, हैट्रिक मारेगी। हैट्रिक मारेगी? हाँ, राघोगढ़ हैट्रिक मारेगी। राघोगढ़? हाँ। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है। आज एक बड़ा टूर्नामेंट आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जंजाली का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, हजारों की संख्या में। और पास से यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन गुजरती हुई, और आपको देख लीजिए यहाँ पर ये राघोगढ़ के वो खिलाड़ी हैं जो इस टीम का हिस्सा बने हुए हैं, आज फाइनल का हिस्सा बने हुए हैं। सर जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं, मेरा नाम मुश्ताक खान मंसूरी है। और ये टीम आपने उतारी है जी? हम सबकी टीम है जी। सबकी टीम है जी। यहाँ खिलाड़ी कहाँ है? ये हमारे बीरेंद्र खिची, बहुत शानदार JB11 के ऑलराउंडर। अच्छा अच्छा, ऑलराउंडर है। और यहाँ पर देखिए ये राघोगढ़ की टीम को आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। एक आध दो और बल्लेबाजों को बुलाइए यहाँ पर, देखिए युवा बल्लेबाज बनते हूँ। क्या क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आरिश है। कहाँ रहते हैं? जी राघोगढ़ से हूँ। और आज टीम का हिस्सा बने हुए हैं जी। जी कितने ज्यादा छक्के मारने वाले हैं जी? छक्के मारने वाले हमारे कौन है ये देख लीजिए, मिलवा रहा हूँ आपको। कप्तान है सर जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वसीम है, मैं कप्तान हूँ JB11 राघोगढ़ का। और बेस्ट बैट्समैन कौन है आपका जो बहुत सारे छक्के मारने वाला है आज? आज हमारा दाऊद मारेगा सबसे अच्छा। कौन है, परिचय करवाइए। ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये भारी भरकम व्यक्ति को देख सकते हैं। इनकी बॉल पर बैट पर बल्ला आएगा तो समझ लीजिए बॉल पार जाने वाली है। ऐसा ये कप्तान साहब देख सकते हैं अपने खिलाड़ियों को टी शर्ट वगैरह देते हुए। आज एक बड़ा मैच यहाँ जंजाली में रखा गया है और यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज्यादा जोर शोरों पे चलती हुई। एक बॉडी बिल्डर से मिलवाने की कोशिश करूंगा। ऑलराउंडर है कि बैट्समैन है? ऑलराउंडर है, टीम मेंबर है, खेलते नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भारी भारी भरकम लोग यहाँ पर। सर जी थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। लाल सिंह मीना, इस टीम का कोच। कोच है आप, और आपने टीम को तैयार किया है, उसी का कारण है आज फाइनल में है। और जीतने की कितने ज्यादा प्रैक्टिस है? 1001%। 1001% यहाँ पर देख सकते हैं कोच हैं, और अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए 1001% कहते हुए यहाँ पर विजय दिलाने वाले हैं अपनी टीम को। और बहुत शानदार ये राघोगढ़ की टीम प्रदर्शन करने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ, टी शर्ट पहन ली गई है सर जी, टी शर्ट पहन ली गई है। क्या है, बॉलर है की बैट्समैन है? बैट्समैन। बैट्समैन है। और कितने ज्यादा रन बनाने वाले हैं? सॉरी, धुआंधार धुआंधार रन बनाने वाले हैं। यहाँ पर कुमराज की टीम आई है क्या? कुमराज की टीम कहाँ मिलेगी? उधर ही है। यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं राघोगढ़ की टीम का आपको परिचय दिला रहा हूँ, कारण है ये फाइनल उठाने वाली है, ऐसा कोच का कहना है। और बड़े बैट्समैन है ऑलराउंडर, उनका भी कहना है बहुत सारे रन बनाने वाले हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा तादाद में आना कारण है फाइनल मैच है, और काफी संख्या में यहाँ लोग आते हुए करीब करीब 20-22 हजार लोगों का यहाँ आना हो रहा है। एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर जंजाली का आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल पर। ये यहाँ पर एक बड़े बड़े लोगों से सारा सा मुलाकात करने का मौका मिला है। सर जी कमेंटेटर हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हुए एक सुंदर वीडियो देने वाला हूँ आपको अपने चैनल पर। और आप देख सकते हैं ये कौन सी टीम है, कि टीम है कि आपके ये समिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं का जोश। और ये DSF समिति, आपको बताया किसने कि यहाँ फाइनल चल रहा है? चलो जाओ। ये यहाँ के कुछ लोगों का फोन आया था मुझे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हुए क्वेश्चन करते हुए। ये देखिए, ये वो टीम है जो काफी लंबे समय से यहाँ पर मेहनत करती हुई
आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पाँच साल हो गए चल रहा है, मतलब देख लीजिए यहाँ एक जंजाली का टूर्नामेंट आपको दिखा रहा हूँ। ये वो टीम है जो काफी टाइम से मेहनत कर रही है। थोड़ा सा पूछने की कोशिश करूंगा, है सर जी क्या शुभ नाम है? हरिकेश शुक्ला। और यही निवास करते हैं? लोठियाई। लोठियाई, और कब से ये टूर्नामेंट किया है? पाँच साल हो गए इस टूर्नामेंट को चलते हुए। पाँच साल हो गए हैं, हर साल आप इनाम राशि बढ़ाते हैं कि वही है? इनाम राशि तो हर बार कुछ न कुछ वो रहती है, बढ़ जाती है। और लगभग कितनी टीमें भाग ले लेती होंगी? देखिए भाग तो इसमें हमें 64 टीमें लेना होता है। 64 टीमों को लेने के लिए कम से कम 150 टीमों को क्वालिफाई करना होता है, तब जाके वो 64 टीमें सिलेक्ट। 64 टीमों को आप एडजस्ट करते हैं, इसके बाद टीमों का चालू हो जाता है। 64 टीमें हमें करनी है। ये देखिए यहाँ पर एक जानकारी देते हुए 64 टीमों का टूर्नामेंट कराते हैं, और एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर करीब करीब 4-5 सालों से ये हमेशा लगातार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं एक अच्छा टूर्नामेंट, बड़ी इनाम राशि 1,00,000 रूपए करीब। और आज कितने मैच होंगे? आज तो एक ही फाइनल, एक ही फाइनल ही है। कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा? 20 ओवर का मैच है, 12 बजे से स्टार्ट है। 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कितने ओवर का है? 20 ओवर का मैच है। देख लीजिए 20 ओवर का मैच है और 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में, और ले आया हूँ मैं आपको ये जंजाली में। और जंजाली में लाने का कारण है एक बहुत ही भव्य टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है, और आज इसका फाइनल है। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज उस टीम को मिलने वाली है जो विजेता होगा। और आज इस टूर्नामेंट का पूरा व्यू बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा भारी भरकम यहाँ पर जनता का जमावड़ा लगने वाला है। कारण है दो बड़ी बड़ी टीमों का यहाँ पर मैच होने वाला है। कुमराज की टीम का मैच होने वाला है, राधोगढ़ की टीम का मैच होने वाला है। आइए मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू बताने की कोशिश करूंगा। आप एम्पायर हैं? कमेंटेटर है। हाँ, क्या शुभ नाम है? राजीव रघुवंशी। और कैसा टूर्नामेंट चल रहा है? बहुत शानदार, बहुत भव्यता का ये प्रतीक है। पूरे मध्य प्रदेश में पूरा सादगी बिखेरे हुए हमारा ये टूर्नामेंट है, और निश्चित ही आप जहाँ भी जाएंगे तो इस टूर्नामेंट के चर्चे सुनेंगे, और इससे बेहतर शायद मध्य प्रदेश नहीं, मैं आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। कितनी ज्यादा इनाम राशि रखी गई है? इसमें 1,00,000 फर्स्ट इनाम है, द्वितीय पुरस्कार 51,000 है, और इसमें ऐसा नहीं है इसमें 3 नहीं 4 पुरस्कार रखे जाते हैं। तीसरा पुरस्कार 31,000 है, और जबकि द्वितीय चौथा पुरस्कार है वो 21,000 है, जबकि चौथा स्थान हासिल हमारी चाचौड़ा की टीम ने कर लिया है कल जो मुकाबला हुआ था, और तीसरा स्थान आरओ ने हासिल किया है। आज आपको पहली और दूसरी टीम मिल जाएंगी, ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि 12 बजे से आपको ठीक मुकाबला चालू होगा, मुख्य अतिथि जैसे ही आते हैं। और बहुत ज्यादा टफ मुकाबला होगा आज, उम्मीद तो यही है, लेकिन उम्मीद अगर ये जाके तो फिर मजा आएगा। देखिए यहाँ पर कमेंटेटर साहब का कहना है एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, एक भव्य टूर्नामेंट, पूरे एमपी के अंदर ऐसा टूर्नामेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी मुख्य अतिथि आने वाले हैं, इसके बाद इस टूर्नामेंट का स्टार्ट होगा, और एक भव्य टूर्नामेंट का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। एक बड़ा टूर्नामेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर दो टीमों की भिड़ंत होने वाली है, राधोगढ़ की और कुमराज की, और आज फाइनल मैच है। आज आपको सुंदर वीडियो दूंगा अपने चैनल पर। आ गई क्या टीम? आप देखिए शोर देख सकते हैं, लोगों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है। कहां से हैं? कुमराज से हैं। और यहां टीम के देखिए, यहां पर टीम को सपोर्ट करते हुए सर, आज मेहनत सफल हो रही है आपकी? बिल्कुल। कितने दिन से लगे हुए थे? एक महीने से। यहाँ देखिए काफी संख्या में हैं लोग। सर जी कहाँ से हैं? कुमराज से। और मैच देख रहे हैं? धूप तो नहीं लग रही है? आनंद आ रहा है? आनंद आता हुआ यहाँ के लोगों को। देखिए हाथ लाते हुए लोग देख सकते हैं आप, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ। अभी नहीं आई? कौन बोला बताइए, क्या सुन नाम है? तेज सिंह धाकड़। और मेरी वीडियो देखते हैं? बेहतरीन सर। क्या देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे भी सपोर्टर हैं। भाभी जी आई हैं, ये लटक रही है। देख लीजिए आज एक सुंदर वीडियो दे रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर। बोलिए, हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगी। बोल दो राधो करते धूल चटा दो गीतों को, जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो इन मोतलो की, जो कुमराज के खिलाफ बात करे। देखिए कुमराज के खिलाफ, अगर कुमराज के खिलाफ बात कर दी जीभ काट देंगे ये।
देखिए बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर देखिए दूर दूर तक आपको नजर जाएगी, यहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे और वो टीम आ गई है, आप देख सकते हैं टीम आ गई है। देख लीजिए आज जंजाली आया हुआ हूँ इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए और काफी संख्या में लोग यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाने आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? चाचोला से आए हैं मैच देखने के लिए। और कौन जीतने वाला है? कुमराज जीतने वाली है, ऐसा कहना लोगों का कुमराज जीतने वाली है। आज आपको ये टूर्नामेंट का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आपके अनुमान मैंने नहीं देखी है कौन सी टीम का, देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टिंग करने आया हूँ। कुमराज जी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? देखिए राधोगढ़ के निवासी है और राधोगढ़ जीतेगी ऐसा यहाँ पर चल रहा है जो मैदान पर एक साझा विधानसभा से है जो कि कुमराज टीम और दूसरी टीम जो कि रास्ता किधर से मिलेगा मिलेगा क्या सर मिल गए रातों करके और मेरे फैन हैं सर, मेरी वीडियो को देखते हैं, रोज डेली देखता हूँ, रोज डेली देखते हैं, आज टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं बिल्कुल पूरा। और कौन जीतने वाला है? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ऐसा आदरणीय सर का कहना आप देख सकते हैं। ये जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे चलता हुआ। मध्य प्रदेश के गुना जिले में सिर्फ दो लोग फेमस हैं, गुना में सुरेंद्र साहू जी और राहुल अभिषेक शर्मा जी। देख लीजिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूँगा ऐसे सम्माननीय लोगों का जो मुझे इस तरह का प्यार मिलता हुआ। देख लीजिए आप एक सुंदर वीडियो दे रहा हूँ अपने चैनल पर, बने रहिएगा वीडियो में। ये जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ, करीब करीब चार पाँच सालों से यहाँ पर एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक का जमावड़ा और आदरणीय बाबा साहब का यहाँ पर सभी को देखिए, यहाँ पे आदरणीय बाबा साहब यहाँ से जाते हुए एक भव्य टूर्नामेंट ये जंजाली में होता हुआ और पब्लिक देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का इंतजार हो रहा है मैच चालू होने का। आदरणीय सर जी शुभ नाम बताइए अपना, आपका शुभ नाम क्या है? कैलाश मीना। और आज इस टूर्नामेंट में आए हुए हैं यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए, इनका टूर्नामेंट है। देखिए ये वो हैं, इनका ये टूर्नामेंट है। क्या कारण है आपका टूर्नामेंट इतना ज्यादा सफल होता है? दर्शकों का प्यार, दर्शकों का अनुशासन, सारे दर्शकों ने आज देख रहे हो, आप देख रहे हो किस तरह का ये सैलाब है, ये उनका प्यार है हमारे प्रति। और आपका अनुशासन भी है, आपकी टीम बहुत ज्यादा हमारी टीम, हमारी पूरी टीम अनुशासित है। और अच्छा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शक है, हमें इतना ही स्नेह प्यार देते हैं। कह सकते हैं आदरणीय सर का इस तरह का वक्तव्य कहना बहुत बड़ी बात होती है, पूरा सोए जनता को देते हुए, लेकिन इनकी भी मेहनत अपार है, उसी का कारण है हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का जमावड़ा। ये वो नीम के पत्थर है जो दिखाई नहीं देते लेकिन पूरा भवन इन पे टिका हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे प्यारे प्यारे दर्शक नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं है, सारा इसमें सारी सफलता इनकी है। आदरणीय चिन्नू जी के यहाँ पर ये पिताजी हैं और बहुत ही ज्यादा भव्यता है यहाँ पर दर्शाते हुए, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूट्यूबर बन सकते हैं? अरे बता दो बन सकता हूँ क्या? ये जंजाली के लोग, कुमराज के लोग हैं और मेरा सपोर्ट करते हुए कहाँ से हैं? बीनागंज। और मैं देखते हैं मेरी वीडियो देखते हैं क्या? क्या करते हैं, बन जाऊंगा यूट्यूबर? अरे पहाड़ी बनोगे। थैंक यू। कह दो इन गद्दारों से और कुमराज जीत गई हजारों से। कुमराज जीत गए, अरे पर रन तो 180 बने हैं। जीत गई सैकड़ों से, कह दो इन गद्दारों से। आप ही कहो। ये देखिए यहाँ पर जनता का जमावड़ा और ये मैच चालू होने वाला है और यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए हजारों की संख्या में यहाँ लोग देख सकते हैं और ज्यादा उत्साह के साथ यहाँ मैच देख रहे हैं। कौन जीतने वाला है? कुमराज। क्या कारण है कुमराज जीतने वाली है? अच्छा प्रदर्शन कर रही है कुमराज टीम, जीतने वाली है ऐसा इनका कहना। थैंक यू, थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए जहाँ जगह मिल गई है वहाँ बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्रिकेट का लुत्फ, ये फाइनल मैच का नजारा दिखा रहा हूँ मैं आपको।
थैंक यू। देख लीजिए यहाँ पर ये कुमराज के जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ टंकी पे बैठ के क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं, कौन को जिता रहे हैं इतनी ऊपर बैठकर। कुमराज को जिताएंगे, कुमराज को जिताते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैच देख रहे हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं क्या? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अगले तक टेंथ में पढ़ते हैं, सिक्स में पढ़ते हैं ये युवा। ये देखिए आने वाले टाइम का ये सचिन तेंदुलकर हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है। और अभी से यहाँ मैच को देखता हुआ और उनके नियम को देखता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुमराज की टीम के कप्तान साहब संदीप क्या प्रदर्शन करने वाले हैं जी? कितने ओवर में हराने वाले हैं? 15 ओवर में हम ऑल आउट कर देंगे। 15 ओवर में हराने वाले हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी है आपकी। बहुत अच्छी बॉल है, हमारे सेट बॉलर है, 6 बॉलर है हमारे। हमारा ब्रजेश है, ये देवेंद्र है, हमारा अजीत है, नंबर 1 बॉलर है। मतलब कह सकते हैं ईशान शर्मा है। ये देखिए यहाँ लंबी ऊंची कट के ईशान शर्मा और ये स्पिनर है, पेसर बॉलर है। यहाँ पर ये कुमराज की टीम है और एक अच्छा प्रदर्शन किया है, उतरने वाले हैं बॉलिंग में और कहना है 15 ओवर में हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी लगातार दर्शकों से भी उम्मीद रहे की वजह धैर्य से बनाए रहते, शांति से तरीके दे बहुत ज्यादा धन्यवाद। यहाँ पर देखिए काफी संख्या में लोगों का यहाँ आना, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट का और आदरणीय बाबा साहब का यहाँ पर सभी को सम्मान देना। देख लीजिए हमेशा दर्शकों को जीत कर लाना, दूर दराज से हमारे राजस्थान से, हमारे झालावाड़ से और यूपी की लक्ष्मी बने ललितपुर से भी दर्शक पधारे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के नमस्ते। यहाँ देखिए कुमराज के जंजाली में यहाँ पर एक भव्य टूर्नामेंट चलता हुआ और आदरणीय बाबा साहब यहाँ से लोगों को संबोधन करते हुए, कारण है एक बड़ा टूर्नामेंट और आज फाइनल है। आप देख लीजिए आज फाइनल का दृश्य आपको दिखाता हुआ। थैंक यू। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन धीरे से कमिश्नर साहब की भी पंच कर दिया लेकिन रन मिलेगा नहीं। लाडली बधाई दी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री गेंदबाजी करते हुए। चलिए ये लगातार आप जो थोड़ी सी जो कितने लाभ दुलाव देता है और बाबा साहब का आशीर्वाद हम सबको रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आदरणीय जयवर्धन सिंह का आगमन हो रहा है और ये दोनों टीम है, एक टीम खेल चुकी है और दूसरी टीम यहाँ पर अभी प्रदर्शन करने वाली है। आज राधोगढ़ और कुमराज का यहाँ पर मैच है और देखिए अंपायर कहाँ यहाँ पर आना। यदि आप में अंपायर है, आज की भूमिका क्या, शुभ नाम है और आज एम्पायरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती होगी आपकी, लेकिन आपका दिन में बहुत ज्यादा सतर्क रहता होगा, इधर उधर भी नहीं जाता होगा। ये देखिए एम्पायर हैं और बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर को बल्ला दीजिए सर, एक बॉल खेलेंगे कम से कम इस टूर्नामेंट की बहुत ज्यादा भव्यता को बढ़ाने के लिए। बैठ दीजिए बैठ दीजिए बैठ गए। हाँ भाई एक बॉल डालो बैठ का। नाम बताइए अपना। और यहाँ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे कैसा टूर्नामेंट होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, एक आनंद आता है। और यहाँ पब्लिक देख के कैसा लगता है? बहुत ज्यादा यहाँ पब्लिक का बहुत ज्यादा जमाव रहा, क्या कहेंगे भैया? बहुत शानदार मजा आ रहा है, हमारा क्षेत्र का महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, जनता बहुत ज्यादा यहाँ आती है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा महाकुंभ चलता है, महाकुंभ चलता है। करीब कितने सालों से ये मैच हो रहा है भैया? मैं 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं। और इनाम राशि भी अच्छी रखी जाती है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भैया का प्रेम है जनता के प्रति, हाँ कह सकते हैं, जो यहाँ के आयोजन करता है उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, उसी के कारण इतनी जनता को संभालना बहुत बड़ा काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत देर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक का जमावड़ा मिल जाएगा। कारण है आज ये जंजाली का फाइनल आपको दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। देखिए गाड़ी के ऊपर यहाँ से मैच को देखते हुए कौन का मतलब कह सकते हैं क्या कितने रन बनाए हैं, कौन जीतने वाला है? कुमराज जीतने वाली है। आप सभी कुमराज का एक पारी बाकी है, कौन जीतने वाला है? राघोगढ़ जीतेगी, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। यहाँ पर देखिए सभी की अपनी अपनी मतलब कह सकते हैं टीम का समर्थन यहाँ करते हुए और काफी संख्या में। आइए आज मैं आपको यहाँ के कुमराज के दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ के लोगों से राय जानने की कोशिश करूंगा कैसा टूर्नामेंट चलता है। एक बहुत ही ज्यादा भव्य टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप देखिए एक ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए यहाँ पर और काफी संख्या में यहाँ लोग आते हुए आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा ये फाइनल का मैच है। और आप देख लीजिए एक पारी हो गई है, आप देखिए पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता हुआ, कारण है आज फाइनल है ये जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए देख लीजिए अंदर जाने की बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आपको जनता ही जनता यहाँ पर नजर आएगी। ये जंजाली का टूर्नामेंट है और आज फाइनल है और यहाँ पर एक पारी निपट चुकी है राधोगढ़। कौन जीतेगा? कुमराज जीतेगा, यहाँ पर कुमराज जीतेगा, कोई कहता कौन जीतेगा? कुमराज जीतेगा, कुमराज का यहाँ बहुत ज्यादा समर्थन है, कारण है 180 रन बनाए हैं, कौन जीतेगा? ये रावण जेबी इलेवन। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हुए, सर जी कौन जीतेगा? रावण कुमराज, कुमराज जीतेगा पक्का, कुमराज। ये देखिए चाय पानी की व्यवस्था के साथ मैच में जाते हुए कुमराज जीतेगा, एक पारी अभी बाकी है, कुमराज जीतेगा, कुमराज जीतेगा यहाँ पर लोग कहते हुए। लेकिन राघोगढ़ की टीम भी है कुमराज, यहाँ देखिए भार हो गई। अरे ये खेल है भाई साहब, कोई किसी का नहीं कह सकता, ये बहुत अच्छी बात कहते हुए अदन्य भाई साहब। चलिए और लोगों को देखने की चाहिए, जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा टूर्नामेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों का आना, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे कोई किसी की नहीं कह सकता, कोई किसी की नहीं कह सकता, ये चुनाव है। सर जी आज मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मैच में हाँ कुमराज टीम जीतेगी, कुमराज टीम जीतेगी, क्या कारण है? राघोगढ़ टीम पे विश्वास नहीं है, खिलाड़ी नहीं है क्या? यहाँ पर आदरणीय सर का कहना कुमराज जीतेगा, कहिए। ये सरपंच साहब है कोलुआ से। अच्छा अच्छा, वरना ये खेल है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेंगे सर जी, खेल है कोई नहीं कह सकता है। कुमराज दो बार जीत गए, कुमराज दो बार जीत गए, यानी पहले का जो परफॉर्मेंस है उसी के अनुसार यहाँ लोग कहते हुए कुमराज जीतेगा। और आइए मैं थोड़ा सा और
कुछ झलके आपको अभी तो दिख रही होंगी। देख लीजिए, चलिए कुछ झलके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, काफी संख्या में लोगों का यहाँ पर आना, एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। देख लीजिए, गाड़ियों का जमावड़ा देख सकते हैं, लोग गाड़ी के ऊपर बैठ के मैच का लुत्फ तो लेते हुए, काफी संख्या में यहाँ पर लोगों का आना और एक बहुत ही ज्यादा भव्य टूर्नामेंट यहाँ पर किया गया है। सर क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? सफल होता है? सफल ही होगा सर, देखने आते हैं। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हर साल की बात, इस साल भी आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हुए। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। ये देखिए, ये वो टूर्नामेंट का आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। कौन जीतेगा? आप बताइए, आप बताइए। मैंने तो देखा ही नहीं है। नहीं, मैंने देखा है। क्या देखा है? आपकी सोच क्या है? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं है मालूम कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लोगों का कहना कुछ भी हो सकता है। सर बैठे हुए, सर जी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रजापति राघवड़। आप तो मेरे फैन है, बहुत बड़ा फैन हूं भाई। मेरी वीडियो को देखते हैं, क्या लगता है मैं बन जाऊंगा क्या यूट्यूबर? हमारे यूट्यूबर है आप, गुना के जिले के मध्य प्रदेश के। क्या कहेंगे सर, बन जाऊंगा क्या यूट्यूबर? बन जाऊ क्या कहेंगे सर, मैं बन जाऊंगा क्या यूट्यूबर? नहीं, बिल्कुल बन जाऊंगा। यहाँ देखिए, लोगों का इस तरह मुझे प्यार मिलना, इनको भी मालूम है एक गुना का यूट्यूबर आज इस कुमराज के जंजाली में आया हुआ है। अब आपकी वीडियो देखते हैं, सुरेंद्र कुमार साहब के नाम से आपका वो है। अच्छा, क्या बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ देखिए, मेरे भी फैन हैं यहाँ पर, जंगा जी का देश दिखाता हूँ। यहाँ सर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस टूर्नामेंट को कितनी बार देख चुके हैं आप? लगातार ये पांचवा साल चल रहा है, पांचवी बार देख रहे हैं सर। और बहुत अच्छा यहाँ का, अच्छा टूर्नामेंट है, जनता को देखकर बहुत ज्यादा लगता है। एमपी के आसपास नहीं होगा? नहीं, एमपी के आसपास ऐसा नहीं होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर जनता का जमावड़ा कारण है, यहाँ पर क्रिकेट के प्रेमी ज्यादा है। क्रिकेट के प्रेमी है क्या? क्रिकेट के प्रेमी है। बिल्कुल सही कहा शुक्ला जी, बहुत सही शब्द। ये वर्ल्ड कप है बिल्कुल टेनिस बॉल का, और हमारे जिले की शान नहीं है, मध्य प्रदेश की शान है, जो भी टूर्नामेंट, इसमें कोई दोराई नहीं। आप देखिए, यहाँ पर धूप लग रही है क्या? लेकिन मैच का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन लेते हुए, आनंद लेते हुए यहाँ के ये जंजाली के गुना के आसपास के निवासियों का यहाँ आना। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ से हैं? और मेरी वीडियो को देखते हैं क्या? हाँ देखते हैं ना। देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक सुंदर वीडियो दे रहा हूँ आपको, ये जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक का जमावड़ा, ये क्रिकेट का लुत्फ है। और यहाँ पर कुमराज के निवासी, आसपास के निवासी बहुत ज्यादा आनंद उठाते हुए, देखिए बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर लोग। देखिए, धूप लग रही है आज। धूप है क्या? धूप है क्या? मैच चालू करवाने, मैच चालू हो जाए, मैच चालू कर दिया। नहीं कर रहे तो मना कर दो ना यार, मैच चालू करवाए, मैच चालू हो, यहाँ पर लोगों की राय है, मैच चालू करवाइए। अभी हो रहा है बस, पंद्रह मिनट बाद आने वाला है। देखिए, यहाँ पर लोग थोड़ा सा गर्मी का आनंद लेते हुए, सर्दी का मौसम है, और यहाँ देखिए लोग अब लुत्फ उठाते हुए मजा ले रहे हैं। सभी कुमराज के आसपास के हैं क्या? दर्शकों से गुजारिश है, जो अपनी जगह पर है बिल्कुल हिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार अगर वो थोड़ा सा इधर उधर चलेगा तो फिर उसको वो स्थान नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मत हिलिएगा, पूरा मैच देखिएगा। हमारे कहाँ से है? कौन है? भमावत से। क्या नाम है? नीलमपुरी गोस्वामी। अच्छा, वो मुझे जानते हैं क्या? जानते हैं। क्या बात करते हो, ये देखिए भमावत के निवासी हैं और मुझे जानते हैं, इनको भी मालूम है कौन आया है गुना का होने वाला यूट्यूबर।
यहाँ देखिए युवा बच्चा यहाँ पर भविष्य है ये क्रिकेट का, और एक दिन ये सचिन तेंदुलकर बनेगा। बनोगे क्या? चैनल है मेरा विद्या सुरेंद्र ब्लॉक के नाम से, बड़ा मोबाइल रखते हैं तो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करते हुए यहाँ के आयोजक और यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पर जनता का देखिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ होता हुआ और एक टीम का यहाँ प्रदर्शन हो गया है और ये लालूगढ़ की टीम है। बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे, इतने रन बनाए हैं, किस तरह प्रदर्शन करने वाले हैं। 12 ओवर में बन जाएंगे क्या कहेंगे, 12 ओवर में बन जाएंगे 18 ओवर में हम बना लेंगे, बना देंगे। आज जीतने का बहुत ज्यादा उत्साह है आपके अंदर, बहुत ज्यादा यहाँ राजोगढ़ की टीम है और काफी ज्यादा उत्साह से भरी है। क्या कहेंगे, ऑलराउंडर कौन है, ये बहुत ज्यादा है जो छक्कों की बौछार करने वाला है। 18 तारीख से ये देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली है ये राजोगढ़ की टीम। देख सकते हैं ये जंजाली का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर होता हुआ और आप शील्ड देख सकते हैं, ये वर्ल्ड कप की शील्ड है और इसको कौन उठाएगा, जो विजय होगा वो उठाएगा। यहाँ पर फाइनल का मैच होता हुआ और पब्लिक यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में, कारण है एक बहुत ही ज्यादा भव्य टूर्नामेंट यहाँ पर चलता है। अभी लंच टाइम हो गया है और आप देखिए दूर दूर तक आपको जनता ही जनता नजर आएगी। ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट नहीं है ये, देखिए यहाँ पर व्यवस्था को संभालते हुए यहाँ के कार्य देखिए, पानी की पहुँच की सेवा भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है, ये देख सकते हैं लोग हाथ दिलाते हुए, कौन जीतेगा? अकाल कुमराज, कुमराज जीतेगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं, राजोगढ़ की टीम खेली का है, यहाँ देख सकते हैं कुमराज जीतेगी ऐसा कहते हुए यहाँ पर काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। याद दिलाता है इतना बड़ा क्राउड काफी दिनों बाद देखने को मिला है, अंदर जाने का मौका दीजिए थोड़ा सा। निश्चित तौर पर शानदार मुकाबला। हेलो भैया, ये भी करते महाकाल कुमराज के मध्य बड़ा टूर्नामेंट, शानदार आयोजन। नमस्कार भाई, थोड़ा सा समस्त मेरा परिवार, इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट, थैंक यू आप सभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता का जो मामला कारण है, यहाँ पर आयोजन किया गया है, बहुत ही ज्यादा शानदार यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ चलता है। आप देख सकते हैं एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ चलता हुआ, एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन किया गया है और ड्रोन से यहाँ पर सुरक्षा, ड्रोन से यहाँ सुरक्षा की जा रही है। एक बारी निपट गई है, कितने रन बनाए हैं? 189 का टारगेट। कौन सी टीम ने बनाए? कुमराज ने बनाए हैं। और राजोगढ़ की टीम कहाँ है? वो बैठी है जी। आज मैं जंजाली का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको और यहाँ पर एक भव्य टूर्नामेंट चलता हुआ, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। सर जी क्या शुभ नाम है? चंद्रमोहन मीणा। और ये टूर्नामेंट कौन करवा रहा है? ये टूर्नामेंट मेरी समिति करवा, आप की समिति करवाती है और बहुत सारी टीमें इसमें हिस्सा लेती है। इस टूर्नामेंट के सफल होने का क्या कारण है? यहाँ सफल होने का सबसे मुख्य कारण तो दर्शक ही है, जिस तादाद में दर्शक यहाँ पे आ रहे हैं और आपका भी सपोर्ट है क्योंकि आप बहुत अच्छा टूर्नामेंट करते हैं, इतनी ज्यादा पब्लिक मैंने आसपास के इलाकों में नहीं देखी है, इसका क्या कारण है? आपका बड़प्पन है, ये सपोर्ट नहीं है तो टीम का काम है, जैसे खेल एक टीम खेलती है वैसे ही कोई आयोजन भी बिना टीम के नहीं हो सकता है। तो ये देखिए बहुत ज्यादा बड़ी बात कहते हुए आदरणीय सर हैं, इनकी टीम का प्रदर्शन देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हर साल की बात है, करीब करीब कितने सालों से ये टूर्नामेंट आप करा रहे हैं? पांचवा साल है। कितनी इनाम राशि दी जाती है? इनाम राशि इस बार प्रथम पुरस्कार 1 लाख है, द्वितीय 51 है 51,000, तीसरी 31 है और चौथी 21। चार चार अवार्ड दिए जाते हैं,
ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक का यहाँ जमावड़ा कारण है, इनको भी मालूम है एक भव्य टूर्नामेंट चलता हुआ। एक चैनल है मेरा यूट्यूब पर, अगर बड़ा मोबाइल रखते हैं तो देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। आइए थोड़ा सा अंदर का खबर करवा दीजिए, हमारे बाबा साहब की तरफ से मिलेगा भाई 35,000 रुपए का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार रहेगा 15 और तृतीय पुरस्कार है 11 और चतुर्थ पुरस्कार जो है वो 5,500। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, कौन जीतने वाला है, खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, यहाँ पर लोगों का कहना है खेल चल रहा है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कहाँ तक यहाँ पब्लिक का बैठना कारण है एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ। ये वो सपोर्टर हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और ये पूरा टूर्नामेंट को संभालते हुए सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। आज आपकी सफलता मेहनत लग रही है और आज फाइनल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए ये युवा हैं और काफी समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ये देखिए यहाँ पर जो बता कह सकते हैं चीयर गर्ल्स होती हैं उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, एक सुंदर टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन किया गया है यहाँ के निवासियों के द्वारा। और अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रदर्शन करेंगी जब टीम यहाँ पर उतर जाएगी। क्या कहेंगे सर, शुभ नाम बताइए अपना। मेरा पुरुषोत्तम मीना। और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, कौन सी टीम जीतने वाली है अब ये तो अभी क्रिकेट का खेल बताएगा। यहाँ पर लोग आनंद उठाते हुए कैसा टूर्नामेंट होता है मालूम, अच्छा होता है, यहाँ पे पब्लिक देख के लगता है कि एमपी के आसपास ऐसा टूर्नामेंट नहीं होता होगा। बहुत ही ज्यादा ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये क्रिकेट का बहुत ज्यादा प्रेमी आप देखिए। पब्लिक का आना कारण है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम होता हुआ कारण है लंच टाइम चल रहा है और अभी थोड़ी देर बाद इनका नृत्य देखने को मिलेगा जब छक्के चौके लगेंगे कब मिलेगा। ये देखिए यहाँ युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, आप इंतजार